दोस्तों आज हम आपके लिए फिर से एक अच्छी कहानी को लेके आए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं जीना और उसका बॉयफ्रेंड ले को देखते हैं। आगे ये दोनों एक कोर्ट में आते हैं क्योंकि है आज कोर्ट में इसको नाम के एक बहुत बड़े अपराधी को पेश होना है। उस पर बहुत सारी चोरी के इल्जाम है। आगे उसकी वकील जिसका नाम जीना है वो अपने क्लाइंट को बचाने के लिए खड़ी होती है, तभी आगे आई गोलियां चलाने लगती है ये लोग और कोई नहीं कू को बचाने आए हैं। आगे कोर्ट में मौजूद सभी लोगों को मारकर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगे, तभी को उनको बोलता है पहले मुझे यहाँ से निकालो। उन आगे वो दोनों उसे पर हंसने लगे, आगे उन्होंने उस पर बम फेंक दिया, आगे वो बम से मर जाता है। आगे हम देखते हैं कई साल पहले को ने ही जीना के साथ जबरदस्ती की थी इसी का बदला लेने के लिए, आज उन्होंने अपना वो बदला पूरा कर लिया। आगे कोर्ट के बाहर स्वॉट टीम होती है, आगे वो कोर्ट के काम का खत्म होने का इंतजार कर रही थी, उनका काम कू को सही सलामत वापस जेल लेके जाना था। धमाके की आवाज सुनकर कैप्टन चांग अपने सभी साथियों के साथ कोर्ट के अंदर जाता है। आगे हर तरफ से गोलियां चल रही थी तभी वहां पर जीना आती है और ऐसा दिखाती है कि मानो वो वहां फांसी हुई एक लड़की हो, लेकिन मौका मिलते ही उसने चांग पर हमला कर देती है। चांग ने अपने आप को बचाया और जीना और ले दोनों को दबोच लिया। आखिर में आगे ले ने एक और बम को फोड़ दिया। इस धमाके में ले मारा जाता है और चांग की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जाती है। जब पुलिस वाले जीना को पकड़कर ले जा रहे होते हैं आगे वो कसम खाती है कि वो सबको मार देगी। आगे डॉक्टर चांग को बताते हैं कि वो अब दोबारा कभी नहीं देख सकेगा। आगे इसकी फैमिली में सिर्फ दो लोग होते हैं, उसकी बेटी और एक दोस्त जिसका नाम यान होता है। वो दोनों उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं। आगे उसके सपनों में वही सब घूमता है। आगे टीवी में भी जनता उसी को जिम्मेदार ठहरा रही थी क्योंकि वहां से जिंदा बाहर आने वाला वो इकलौता पुलिस वाला था और अपने सीनियर्स के ऑर्डर्स ना मानने के कारण उसे नौकरी से भी निकल दिया गया। उसकी फ्रस्ट्रेशन दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। आगे उसकी बेटी जिसका नाम सिया है वो उसकी पूरी देखभाल करती है, लेकिन जब वो अकेला होता है वो पागल सा हो जाता है। आगे समय के साथ सिया के की धुन सुनकर चांग को अच्छा होने लगा। आगे एक दिन उसने सिर्फ आवाज से उसकी तरफ आती हुई एक बॉल को पकड़ लिया उसकी क्षमता को टेस्ट करने के लिए। सिया ने उसकी तरफ बहुत सारी बॉल्स फेंकी और उन्होंने देखा कि चांग बिना देखे भी अपने आसपास की चीजों को महसूस करना सीख लिया है। उसे अपने आसपास की सभी चीजों की जानकारी थी। आगे हम 6 महीने बाद देखते हैं सिया और चांग उसके म्यूजिक कंपटीशन के लिए आए होते हैं। आगे जीना जेल में चांग को बर्बाद करने का मौके का इंतजार कर रही थी। तभी हम दूसरी तरफ गैंगस्टर कांग को देखते हैं। वो अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए जीना को मारना चाहता है। इसी के लिए उसका वकील चाहता था कि उसको यहाँ से मानोल नाम की एक जेल में भेज दिया जाए, लेकिन जीना उसके इरादों को जानती थी और उसने उस पेपर पर साइन करने से मना कर दिया। आगे सिया और चांग मनुला में पहुँचते हैं और कंपटीशन के लिए सीधा हॉल में चले जाते हैं। मसीहा नाम की लड़की को पता चला कि आज उसकी जगह कोई दूसरी लड़की का परफॉर्मेंस है। आगे वो बैक स्टेज पर खड़ी थी तो वहाँ पर कुछ लोग आके उसे जबरदस्ती उठाकर ले जाते हैं। आगे परफॉर्मेंस शुरू हो जाती है, तभी चांग को लगा कि उसकी बेटी ये परफॉर्मेंस नहीं कर रही। तब उसने सिया को कॉल किया, लेकिन फोन उठाने पर उसे सिया की आवाज सुनाई दी। आगे चांग पार्किंग की तरफ भागने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो उन तक पहुंच पता लोग सिया को लेकर निकल चुके होते हैं। आगे उसने जल्दी से पुलिस को फोन किया। थोड़ी देर बाद पुलिस ने उसे बताया कि उनको ब्रिज के पास एक लड़की की लाश मिली है जिसके चेहरे को एसिड से जलाया गया था। चांग ने उसे लाश के हाथों को पकड़ा और एक सेकंड में समझ गया कि ये उसकी बेटी सिया नहीं है, क्योंकि सिया वायलिन बजाती थी और उसकी उंगली इतनी भी मुलायम नहीं थी। उसने ये सब पुलिस को भी बताया, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते क्योंकि उनके हिसाब से लाश की जेब से मिला सिया का आईडी कार्ड उसकी पहचान है, ये हाय उसका प्रूफ है। आगे पुलिस वाले और इस केस पर अब और समय बर्बाद नहीं सकते हैं। इन सब पर चांग को गुस्सा आ जाता है, वो पुलिस इंस्पेक्टर को बुरी तरह से पीटने लगा। इस सीन को जीना टीवी पर देख लेती है और ये जानकर कि चांग मिनुला में ही है, आगे वो वहां की जेल में ट्रांसफर वाले पेज को साइन कर देती है। अगले दिन उसे पूरी सिक्योरिटी के साथ दूसरी जेल में ले जाया जा रहा था, तभी अचानक वो ट्रक पलट जाता है और जीना बंदूक लेकर बाहर आ जाती है। आगे वो सभी पुलिस वालों को मार देती है। आगे जब काम को पता चला कि जीना भाग निकली है तो वो गुस्से में अपने लोगों को उसे जल्द से जल्द ढूंढने को कहता है।
पुलिस वालों ने चांग को सीधे तरीके से कहा कि उसकी बेटी मार चुकी है और जब वो उसे वापस घर छोड़ने जा रहे होते हैं तो चांग मौका देखकर उन पर हमला कर देता है। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि आगे वाली सीट पर कोई पुलिस वाली नहीं बल्कि जीना ही बैठी है। आगे पता चलता है कि सिया को कांग के ही लोगों ने किडनैप किया था और वो जगह जगह से लड़कियों को उठा करके उनको बेचा करते हैं। आगे काम को सिया बहुत अच्छी लगी और उसने अपने आदमियों से उसको अलग सेल में भेज दिया। आगे जीना कांग के इस गंदे काम बारे में सब कुछ जानती थी। आगे जिना ने उसकी बेटी तक पहुँचने का तरीका बताया। जीना कहती है कि पुलिस उसकी कोई मदद नहीं करेगी क्योंकि वो सब तो कांग से रिश्वत लेते हैं। हालांकि जीना उसकी मदद उसकी बेटी को मारने के लिए करती है, लेकिन उसे ढूंढने के लिए उसको चांग का साथ देना होगा। आगे जीना चांग को लेकर एक औरत के पास आती है जो कि ये बताती थी कि लड़की उनके क्लाइंट्स के लिए सही है भी या नहीं। आगे वो औरत ने जीना को तो पास कर दिया, लेकिन उसे चांग पर शक हो जाता है। आगे जीना के अंदर जाते ही वो औरत चांग पर बंदूक तान देती है। इससे पहले कि वो गोली चलाती, चांग ने बंदूक छीनकर उसी के सर पर दे मार देता है। आगे चांग जीना के पीछे कमरे में जाता है, वो दोनों पकड़े जाते हैं। दूसरी तरफ लड़कियों की बोलियां लग रही थी, वहां पर बहुत से लोग लड़कियों को देख रहे होते हैं। आगे जब सिया उन आदमी के पास आती है तो वो खूबसूरती से वायलिन को बजाती है। आगे वो आदमी उसका गाना रोक देता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है। आगे हम देखते हैं जीना को उल्टा लटकाया गया होता है और चांग को बात दिया था इस लड़की का नाम बेथ होता है और ये सीना के मारे हुए बॉयफ्रेंड का मजाक उड़ाती है। लेकिन आगे इस हालत में भी जीना ने हंसना शुरू देती है। तभी बेथ जीना को पानी में डुबोकर टॉर्चर करने लगती है। आगे चांग ने अपने हाथों की हथकड़ी को तोड़कर सबको मरने लग जाता है। आगे वो वाटर टैंक को भी तोड़कर जीना की भी जान बचा लेता है। आगे चांग ने बेथ के गले पर कांच का टुकड़ा रखकर अपनी बेटी के बारे में पूछने लगता है। तभी बेथ उसको बताती है कि वो सभी लड़कियां जो पिछले हफ्ते अगवा करके लाया गया है वो मई नाम के एक आदमी के पास कैद है। आगे जीना ने बेथ को धक्का दे देती है जिससे वो कांच का टुकड़ा उसके गले के पर लग जाता है जिसे वो मर जाती है। इसके बाद जीना चांग को अपने घर लेकर जाती है जो कि ये एक पुलिस ऑफिसर का घर होता है जिसे जिना जेल से भागते वक्त मारा था। आगे काम को जब बेथ की मौत के बारे में पता चलाता है तो उसने जीना और चांग को खत्म करने को कहता है। कुछ देर बाद मई अपने आदमियों के साथ उनके घर के बाहर पहुंचा जाता है। आगे चांग को पता चल गया था और उसने पूरे घर में जाल बिछा दिए होते हैं। आगे आदमियों के घर में घुसते ही सिलेंडर फट जाता है जिसमें उनके लगभग आधे लोग मारे जाते हैं। आगे मई चांग पर हमला कर देता है और दूसरी और जीना बाकी के लोगों से लड़ रही थी। आगे मई चांग को मरने ही वाला था कि वो एक रस्सी से घर के बाहर कूद जाता है। आगे चांग एक लिफ्ट से आता है। आगे मई उनको एक यूनिट में लेकर आया जहां पर सभी लड़कियों को रखा गया था। आगे सब लड़कियां आजाद हो जाती है लेकिन उसमें सिया नहीं थी जिसका मतलब उसको यहां से लेके जा चुके हैं या फिर वो काम के घर पर है। अगले दिन यांग पुलिस स्टेशन पहुंचा जाता है और इंस्पेक्टर रामा से केस के बारे में पूछा, लेकिन जब रामा ने उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है तो वो अकेले ही अपने दोस्त को ढूंढने निकल जाता है। इसी के बीच चांग ने जीना के गले पर चाकू रखकर उसे अपनी असली नाम बताने को कहा। तभी जीना ने वही बोला जो उसने अपने बॉयफ्रेंड की मौत के वक्त बोला था। आगे चांग समझ गया था कि यह लड़की कौन है। तभी वहां यांग पहुंच जाता है और उसने जीना पर बंदूक तान देता है। जीना ने जल्दी से मई को मार दिया जिस वजह से काम के घर का पता जानने वाला सिर्फ वही था। आगे अगर चांग ने उसे भी मार दिया तो वो सिया तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। आगे जीना जान बचाने के लिए यांग को आगे कर देती है और यांग के पेट में चाकू लग जाता है। इसके बाद वो दोनों एक गाड़ी में बैठकर अपने पास्ट के बारे में बात करने लगे। उसने बताया कि उसके बाप ने बचपन में ही उसे गैंग को बेच दिया था। आगे ले ही जिना का परिवार उसका सब कुछ था जिसे चांग ने मार दिया था, इसलिए वो अब उसे सिया के सामने मारेगी ताकि उसकी बेटी भी उसका दर्द महसूस करे। आगे वो दोनों एक हथियार बेचने वाले के पास जाते हैं। ये वही आदमी था जिसके थ्रू उसके बाप ने जीना को बेचा था, इसलिए मौका मिलते ही जीना ने उसे मार डाला और सारे हथियार लूट लिए। चांग ने उसे आदमी के हाथ से एक बॉल ले ली। आगे कांग उसको को दो ऑप्शंस देता है, या तो वो उसके साथ रहे या फिर वो उसे सबसे बेच दे, जिस पर सिया ने बताया कि उसके पिता उसे लेने जरूर आएंगे। तभी एक ट्रक घर का मेन गेट तोड़कर अंदर आया और जीना ने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। आगे चांग ने सिया की तरफ एक बॉल फेंकी जिससे वो समझ गई कि उसके पिता उसे लेने आ गए हैं।
उसने चुपके से उसे बॉल को अपने पास रख लिया। उन्होंने एक के बाद एक गैंग के सभी लोगों को मार दिया। आखिरकार कांग अपने वकील और सिया के साथ रह गया। आगे वो वकील भी उसे छोड़कर वहां से चला जाता है। आगे कांग ने सिया पर टाइम बम लगा देता है, लेकिन इससे पहले ही वहां पर जीना आ जाती है और उसको गोली मारकर खत्म कर देती है। आगे जिना सिया को एक चैन से बांधकर उसको उल्टा लटका देती है। आगे वहां पर चांग आ जाता है और जीना उसको बोलती है कि अगर तुमने सही अंदाजा लगा लिया तो सिया की जान बच जाएगी। आगे यह कहकर जिना चेन छोड़ देती है और आगे सिया तेजी से नीचे गिरने लगी। तभी सिया ने अपने हाथ में पकड़ी वो बॉल उसके पिता की तरफ फेंकी, जिससे वो समझ गया कि उसकी बेटी किस तरफ है। उसे बचाने के लिए वो नीचे होता है और इसी बीच जीना को गोली भी लग जाती है। उसने सिया को बचा तो लिया, लेकिन उसके पेट से अभी भी वो टाइम बम बंधा हुआ था। तभी वहां पर यांग आता है और उसने जीना के लगे बम को डिफ्यूज करने में मदद करता है। आखिरकार वो तीनों बच जाते हैं। तो दोस्तों, आज की ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। आपको इस कहानी का कौन सा सीन अच्छा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।